सदर विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक नवनीत कोठारी ने सदर विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ तहसील सदर के सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे और किसी भी रैली या सभा के लिए अपने आरओ से परमिशन लेकर करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी केवल 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकेगा और इसके साथ ही किसी तरह की समस्या होने पर हमसे संपर्क करेंगे तथा 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के पास 1 मार्च के शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार करने का समय है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। इस अवसर पर SDM सदर RO कुलदीप मीणा, न्यायिक तहसीलदार नीलम तिवारी सहित विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं, तो आप सभी का 322 गोरखपुर शहर विधानसभा से आप उम्मीदवार हैं, आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज ये बैठक हमने, अब आगे आपको हमारी जरूरत पड़ती है, काफ़ी अनुमतियां आपको लेनी पड़ती है आपके प्रचार से संबंधित, और काफ़ी प्रकार के आपको जो दिशा निर्देश हैं आयोग के या अन्य आचार संहिता के रेगुलेशंस है उसका पालन करना होता है, तो उस संबंध में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है और आपको आगे आपसे क्या क्या अपेक्षित है, इसके लिए आज ये बैठक कंडक्ट की गई है। इसके IAS ऑफिसर हैं सर, सामान्य प्रेक्षक हैं हमारी 322 गोरखपुर शहर और 323 गोरखपुर ग्रामीण की। प्रेमानंद सर भी मौजूद है, सर IRS अधिकारी हैं हमारी विधान। मैं चाहूँगा कि सर अपना उद्बोधन आप लोगों को दें। धन्यवाद। और आज से लेकर मतदान समाप्ति के 45 घंटा पूर्व तक आपके पास एक टीम का सवाल है। मतदान 3 मार्च को सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से अपराह्न शाम को 6 बजे तक चलेगा, मतलब आपके पास 1 तारीख की शाम को 6 बजे तक कैंपेनिंग करने का समय है। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन द्वारा कैंपेनिंग के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो कोरोना महामारी के कारण हमारी अपेक्षा है आपसे कि आप इनका ध्यान रखें, रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखें। आरओ महोदय द्वारा आपको उसके बारे में सूचना दी जाएगी। और दूसरा, कोरोना एपिडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जहाँ भी आप कैंपेनिंग करें वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अपने जय को लेकर आपको जिस दिन से आपने फॉर्म भरा है उस दिन से आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना था, तो वो व्यय प्रेक्षक महोदय के पास आपको समय समय पर आपको व्यय निरीक्षक टीम के सामने प्रस्तुत करना है, तो उसको आप करना ना भूलें। इवन इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी आपको उसका देना पड़ता है, आरओ महोदय के ऑफिस में आप उसके अनुमति चाहेंगे और प्रथम और प्रथम पाव के सिद्धांत पर आपको दी जाएंगे। हमारा काम आरओ साहब का काम इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित रूप से हो ये सुनिश्चित करना आरओ साहब का कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य ये देखते रहना कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही हो या कहीं कोई किसी कोई शिकायत वगैरह हो तो हमारे पास सीधे संपर्क कर सकते हैं। पहले भी हमने समाचार पत्र में प्रमाण पत्र में हमारे नंबर और फोन नंबर और एड्रेस दिए हुए हैं, हम जैसे रह रहे हैं। मेरा